तो हेलो मेरे पोके फैंस, आपका स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लियोन वर्सेस डायंथा के फुल मैच का प्रेडिक्शन करेंगे और बात करेंगे कि उनके पास कौन कौन से पोकेमोन है और वो किस किस पोकेमोन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किसके जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं। मैं आपको पहले ही बता दूँ कि ये वीडियो केवल प्रेडिक्शन है और आप इसे कन्फर्म मत समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं लियोन की। लियोन के पास चारिजार्ड, ड्रैकोपल्ट, रिलाबूम, एजिस्लैश, इंटालियन, क्रोविनाइट और एक्सरस जैसे ताकतवर पोकेमोन हैं। ये सारे पोकेमोन हमें एनिमी और गेम्स में लियोन के पास दिखाए गए हैं। अब बात कर लेते हैं डायंथा की। डायंथा के पास उसका गार्डिवॉय, अरोरस, गुड्रा, हाउलूचा, टायरेंट्रम और गॉर्गेस जैसे पोकेमोन हैं। ये जानकारी भी हमें पोकेमोन गेम्स और एनिमी से मिली है। तो अब बात कर लेते हैं लियोन और डायंथा कौन कौन से पोकेमोन का यूज़ कर सकते हैं। अगर बैटल 3v3 का हुआ तो डायंथा यूज़ कर सकती है अपने गार्डिवॉयर, हाउलूचा और टायरेंट्रम पोकेमोन का। इसके अलावा वो शायद गुड्रा का भी यूज़ कर सकती है। अब बात कर लेते हैं लियोन की। लियोन अपने चारिजार्ड, ट्रैकोपल्ट और इंटालियन का यूज़ कर सकता है। इस मैच में डायंथा यूज़ करेगी मेगा एवोल्यूशन का और लियोन अपने जिगेंटामैक्स चारिजार्ड का यूज़ कर सकता है, क्योंकि लास्ट मैच में लियोन ने अलान के खिलाफ अपने जिगेंटामैक्स चारिजार्ड का यूज़ नहीं किया था। चलिए अब बात कर लेते हैं विनिंग रेशियो की। डायंथा वर्सेस लियोन के मैच में लियोन के जीतने का चांस 95-98% है। डायंथा का चांस ना के बराबर है। इस मैच में लियोन का जीतना लगभग तय है। पोकेमोन एनिमी में अब तक ना ही लियोन हारा है और ना ही डायंथा, दोनों अब तक अनबीटेबल है। लेकिन आने वाले कुछ एपिसोड में हमें इन दोनों में से किसी एक को हारते हुए ज़रूर दिखाया जाएगा। तो आपको क्या लगता है, इन दोनों में से कौन सा ट्रेनर हारेगा? प्लीज़ कमेंट कीजिए।